ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो वापस आ चुकी है पूरे 2 साल बाद। लास्ट टाइम तो हम लोग इसके घर से बाहर निकल गए थे बलून एस्केप कर, लेकिन अभी जो है ये और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ये वो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एविल नन पार्ट 2। तो अभी फिलहाल गाइस जल्दी से हम लोग अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। एंटर नेम, ओके लेट्स गो। यहां पर हम लोग अपना नेम डाल देते हैं। डियर पेरेंट्स ऑफ उज्जवल, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू रीसेंट इंसिडेंट एट द स्कूल योर चाइल्ड हैज बीन पनिश्ड। डो नॉट एक्सपेक्ट एनी मोर न्यूज अंटिल देयर बैड बिहेवियर हैज बीन एड्रेस्ड। भाई ये तो एकदम अलग ही का लेटर सा लिख दे भाई उसने हमारे खिलाफ। हम लोग इस टाइम, चलो कोई नहीं, अभी गेम स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल अपना गेम स्टार्ट हो चुका है और बैकग्राउंड में एक पियानो बज रहा है। ओके, ये ऐसी स्टार्टिंग होगी। मैंने सो गाना भी गाने लगी वो। ओ भाई ये नन है, एक सेकेंड। अबे ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लग रही, पर हाँ इसके दांत वहां एकदम लाल से थे, डेंजरस से। ओके ये तो यार जैसे नींद आ जाएगी इसको, मैं सुन लूंगा। तो सिस्टम मेड लाइन, ओके सिस्टम मेड लाइन। यहाँ पर मेन क्या सीन है इसका, या फिर अच्छा इसका मेन ना नेम है सिस्टम मेडलीन होगा। ओके ठीक है, हाँ उस लेटर में गाइस नीचे लिखा भी हुआ था S.M. किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। यार ये नन इतनी सही कैसे हो गई भाई, इसका दिमाग खराब हो रहा है। जल गया पेपर, ये इसका दिमाग खराब हुआ। अच्छा नहीं, कोई बच्चा रो रहा है, गेट बंद। भाई क्या चल रहा है, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मेरे को स्टोरी में स्किप कर सकता हूँ पर मैं नहीं करना चाहता, मेरे को समझना अच्छे से। ओ भाई ये क्या है। Hi, pretty. Hello. इतने मस्कुलर चिकन कहाँ से आ गए उसके पास। भाई इसका मुंह देखो कहाँ पर, अबे दो मुंह है, गमी रूस्टल एंटी का नाम दिख नहीं रहा। भाई ये क्या चल रहा है भाई। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल नन अपना एक चिकन लेकर यहाँ से जा चुकी है। अब भाई ये ना देखने में तो एक नॉर्मल कॉक जैसे ही लग रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मेरे को पहले खड़ा होना है। ओके तो शायद से मैं बैठा हुआ था अभी तक। ओके तो मेरे को यहाँ से आगे जाना है और अभी मेरे को क्या करना है भाई, ये देख रहे हो आप कितने ज्यादा डेंजरस से लग रहे हैं। और अच्छी बात हुई है कि दोनों सो रहे हैं। तो तीसरे वाले का नाम है मिस्टर सी और जो गया उसका नाम है गमी, इसका नाम है रूस्टल। और यहाँ पर इनके कुछ एक्स भी रखे हुए हैं भाई। ये मेरे को पता है क्या लग रहा है कि अलग एनिमल्स के साथ ना इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा रही है। इसका ऐसा लग रहा है ना कि किसी बैट का हाथ हो। और अभी फिलहाल यहाँ पर एक वेपन पीस है, वेपन पीस। ओ हम लोग इसमें वेपन्स भी ले सकते हैं, चलो बढ़िया है। ये क्या है, ओपन द वार्डरोब एंड हाइड इनसाइड। ओके ठीक है, हाँ ये तो मेरे को पता, देख के ही मेरे को लग रहा था। तो मेरे को यहाँ पर क्राउच होकर अंदर आना है, ये मैं छुप गया इधर आके, लेट्स गो। ये तो मेरे को खैर पता था। और एक सेकंड, ये नन्ना गाइस अभी आगे का कोई है, उसका ये वाला चिकन सो नहीं रहा है। वो ये दोनों भी बाहर आ गए, यू नीड टू एस्केप द स्कूल। ओके ओके गेट खोलते हैं, यहाँ से आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है। और अभी फिलहाल वो शायद से चलकर आ रहा है। आई थिंक अब मेरे को बाहर निकलना चाहिए, वो यहाँ से जा चुका है। मैं धीरे धीरे ही आगे बढ़ने वाला हूँ, कोई जल्दबाजी मेरे को करनी नहीं। ओ नहीं, मेरे को, ओ भाई हेलो। ओके अभी अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 रात हो रहा है। ओके कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी 3री रात यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो दोनों चिकन है वापस से ना अंदर आ चुके हैं। अभी जल्दी से ना गाइस मैं ये उठाता हूँ। ओ भाई ये सीक्रेट रास्ता है कोई, ओ भाई यहाँ तो गाइस काफी सारे सीक्रेट रास्ते मेरे को स्टार्टिंग में ही मिल गए, ये काफी अच्छी बात है भाई मेरे लिए। ओके तो यहाँ पर 4 चरण है, कुछ एकदम अलग अलग से रास्ते जा रहे हैं। क्लासरूम्स, गार्डन, एटिक, एटिक शायद उसी को कहते हैं ना, वो जो वाला, ये इधर चर्च है। बाकी यहाँ पर ना इसमें लीवर है, शायद से मुझे इसे खोलना पड़ेगा। ओके ये हो जाएगा। ओ वाओ, एंटर दिस टनल टू बिगिन चैप्टर केमिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ऐसी आवाज है जैसे वहां से कोई बोला कौन है भाई इधर। ओके इसको खोलने के लिए, ऊप्स देर इज नो लीवर हेयर, हाँ इधर मेरे को लीवर चाहिए होगा। और इधर तो यार वो पीस भी नहीं है ना लीवर वाला, तो इधर, अच्छा इधर से हमें क्या चाहिए, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्राय ओपन अ गैप। बाकी ये क्या है, क्रिएट अ वेपन। ओ अच्छा ये जो वेपन पीस मिला था मैं इधर लगा सकता हूँ। और इधर ये क्या है, ये भी वेपन पीस जैसा ही लग रहा है, ठीक है इसको लगाता हूँ। ओके अबे यार ये तो अपना वेपन ही बन गया है स्टार्टिंग में। भाई हर गेम में वेपन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें हमें स्टार्टिंग में मिल गया, वाओ। लेकिन ये वेपन चलेगा कैसे मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। इसके लिए मेरे को, अच्छा ये एक एग गन है, उसमें लिख कर आया था कि ये एक एग गन है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ इसके अंदर ना एग लग सकते हैं। एक बार जल्दी से ना गाइस मैं यहां से अंदर चलता हूं।
ठीक है, एग गन है तो इसके अंदर मेरे को पहले ना एग डालने पड़ेंगे। भाई इस टाइम पर तीनों चिकन यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। भाई 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 भाई, एग गन तुम्हारे भाई ने पूरी रिलोड कर लिया है, जल्दी से नहीं एक बार ना धीरे धीरे आगे लेकर चलते हैं इस। अब ये है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक यहाँ लिखा है 6554, कोई कोड है, किस चीज़ का कोड है? पेपर, ठीक है, कुछ लिखा है नहीं उस पर, बस ये लिखा है पेपर पर कुछ लिखा हुआ है और वो कोड ही है। ओ भाई भाई भाई, ये इसका घर है, स्कूल कैसा है ये? मेरे को कहीं से भी स्कूल नहीं लग रहा। ओके सामने चिकन है। ओ भाई उस चिकन ने मेरे को देख लिया। आ जा बेटा, आ जा तेरी ऐसे जैसे, निकल यहाँ से। ओ इनके लग क्यों नहीं रही? भाई 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 इनके लग ही नहीं रही। हेलो भाई, अभी एक ही रात बची है हमारे पास, तो भी जल्दी से ये जो पैसेज वे है ना, मैं इसके अंदर चलता हूँ। दो रास्ते थे बाकी, हम उन दोनों रास्तों पे चलते हैं और फटाफट से ना गाइज हम लोग ने एक क्रोबार ढूंढ के लाते हैं या फिर कोई एक लीवर ढूंढ के लाते हैं, जिससे कि जो बाकी ये तो बंद गेट है ना, के वाला एटिक का और एक चर्च का, इन दोनों को ओपन कर पाए। क्लासरूम्स में चलते हैं। अच्छा यहाँ से भी रास्ता, ये सीक्रेट रास्ता है एक्चुअली। दिस इज वॉर भाई, काफी ज्यादा खतरनाक जगह। मैं दो बारी मर भी गया यार, एक बार तो मैं बेमतलब मरा था और यहाँ पर भी सीधी सी बात है चिकन आ ही सकते हैं। इसको खोलता हूँ, फिर से साउंड हो गया एक। हाँ इधर यार अंदर आ जाएंगे क्या चिकन? जैसे आएंगे ना, मैं इधर से अगर वो आएंगे तो मैं राइट साइड से निकल जाऊंगा, राइट से आएंगे तो लेफ्ट से निकल जाऊंगा। बाकी ये रास्ता कहाँ जा रहा है? बाकी ये वाला जो स्कूल है ना, ये उस स्कूल से काफ़ी ज़्यादा चेंज है जो हमने एविलन पार्ट वन में देखा था। और ये ट्रैप डोर भी गाइस एक है जो कि पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ओ बस ये इतना सा पार करने के लिए है। आगे भी, अच्छा आगे एक और ट्रैप डोर है, ठीक है। ये जगह काफ़ी सही है, हम लोग नन को पूरा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं ऊपर जाने का रिस्क ले लेता हूँ। भाई ये कितना ज़्यादा बड़ा स्कूल है। ओ ये मेरे को यहाँ पर कुछ मिला, ब्रोकन रूलर। ओ ये ब्रोकन रूलर गाइस वहाँ पर तो नहीं लग सकता, वो जो लीवर वाला पार्ट था आई थिंक, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, पर बाकी ने पूरा एरिया हम लोग चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। ओ ड्रॉइंग बाय रॉबर्ट वेडलर, इसको मैं यार अभी ड्रॉप करूँगा ना सामान तो मैं फंस जाऊँगा, वो पक्का आएगी। अरे 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 उसके मेरे को साउंड आया, आ गए गाइस वो आ गए। एक सेकंड ड्रॉर को खोलता हूँ, मैं छुप जाता हूँ भाई, मेरे को लग रहा है गाइस अभी मैं मरने वाला हूँ, साइड छुप जाते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल नन अंदर आ चुकी है और उसने मेरे को देख भी लिया है। शिट यार मैं इतनी देर से यही बोल रहा था कि अंदर ना आए ना आए, भागना पड़ेगा। सामने की तरफ में उसके चिकन्स भी होंगे जो कि मेरे को बहुत गंदा मारने वाले हैं। भागो भागो भागो, ये मेरी लास्ट नाइट है। ओ नहीं फाइनली गाइस ये खुला, एंड भाई सच्ची में दिल धक 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 कर रहा, बंद हो गया था बट अभी फिर शुरू हो चुका है। ये नन गाइस बहुत ज़्यादा शैतान है, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, ये गेट उल्टे क्यों खुल रहे हैं? तो भी ना फिलहाल गाइस पहले ना मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। भाई वो आ चुकी थी ऊपर, मेरे को ना उसका साउंड तो आ रहा था कि वो आ चुकी, अब से मैं क्या करूँगा, जैसे वो आएगी ना वैसे मैं कल्टी बोलूँगा। तो भी इसके अंदर, हाँ ठीक है मेरे को लग रहा था इसके अंदर लग जाएगा। लेट्स गो, यू प्लेस द ब्रोकन रिलर टू यूज़ अ लीवर, ठीक है इसको मैं ओपन करता हूँ। ओ ओ ओ, क्योंकि उसके अंदर ना ऐसा लिखा नहीं था। और क्लासरूम तो हमने पूरा नहीं चेक करा पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया है। और आई थिंक अभी ये एटिक होता क्या है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है। भाई कितना ज़्यादा बड़ा एरिया है भाई 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 भाई, ये एटिक क्या चीज़ है, यहाँ हम क्या करने आए हैं? और इसमें किसी की फोटो है, ठीक है। और ये क्या है, आई थिंक ये भी कुछ सामान वामान के लिए है बट है। ओ वाओ गाइस क्रोबार मिल गया, मैं क्रोबार लेने के लिए यहाँ पर आया था, उनको क्रोबार मिल गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सब कुछ पहले से ही पता था। वाओ बाकी यहाँ पर एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप आई कांट फिक्स दिस टेलीस्कोप विद दिस आइट, अच्छा मेरे को इस कुछ लाना पड़ेगा जिससे मैं इस टेलीस्कोप को ऑन कर पाऊँ। बाकी यहाँ पर एक लीवर है जिससे हम लोग इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मुझे, ओ बे तेरी ये नीचे क्या कर रहा है, भागो, मैं किस रास्ते से आया था मुझे नहीं मालूम। ओ ये रहा ये रहा, नहीं नहीं बेटा अंदर मत आइए अंदर मत आइए। ओ भाई ये क्या है, ओ अच्छा मैं इसे छोड़, भाई 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 इसको मैंने टक्कर मार के गिरा दिया। भाई ये मेरे को लग रहा था ये मर चुका है, ठीक है मैंने इसको, भाई इन्होंने ना पता कर लिया कि मेरा ये सीक्रेट रास्ता है। अरे यार नन कहाँ से आ गई, अबे भाई 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 छोड़ दो एक बारी। This child is not useful for the ritual. He doesn't okay. have enough vitality. No. आ, नहीं 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 please. I'm alive. यार मेरे को इसने ना ला के एक जगह no. पर भाई जिंदा गाड़ दिया है। Get me out of here. भाई ये काफी ज्यादा शक्ल से ही ठीक हो चुकी है लेकिन ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ओके लास्ट टाइम तो गाइस मेरे को छोटी मोटी चीजें नहीं पता थी जिस वजह से मैं दो बारी तो बेमतलब ही मर गया, ठीक है। बाकी दोबारा से मेरे को वेपन पीस मिला है, इसी के अंदर चलते हैं, यहीं से सारे के सारे रास्ते हैं, एक के बाद हमें दूसरा रास्ता मतलब ऐसे खोलते जाना है। सबसे पहले अपना काम है ये जो वेपन का क्राफ्टिंग वाला काम है ना, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। बाकी यहाँ पर मैं ये वाला गेट खोलता हूँ एंड ये वाला गेट खोलता हूँ। लास्ट टाइम मैं पहले क्लासरूम में गया था ना, तो इस बार भी मैं क्लासरूम में ही जाने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं आ चुका हूँ सीधा क्लासरूम में, और पीछे की तरफ में ना गाइस लिखा हुआ था केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, तो मैं यहाँ पर कोई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करना पड़ सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल पहले तो हम लोग ना यहाँ से बाहर निकलते हैं, एंड आई थिंक गाइस चिकन आ चुके हैं
उनके फुट का मेरे को आवाज आ रहा है। एक बार गेट खोल के ना मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ, इतना मेरे को पता लग चुका है कि वो जो गमी चिकन है ना उसको मैं थप्पड़ मार के खुद मतलब थोड़ी देर के लिए उसको मैं बेहोश कर सकता हूँ और बच के भाग सकता हूँ। और वो आ गए मेरे को ऐसा लग रहा है, नहीं 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 भाई 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह इधर अंदर एक बैग मिला, बट पीछे चिकन है, पीछे कोई तो है, कोई है मेरे पीछे। भाई अपने आप ही आवाज़ आ रही है क्या इसमें? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा नहीं, वो देखो वो रही नीचे, मेरे को आवाज़ आ गई थी इसकी। ओह मैं देख लिया, शिट यार मैं उससे क्यों मजे ले रहा हूँ यार, मैं भागूंगा कहाँ, मैं फंस गया भाई गंदे वाला। काफ़ी सारे डेस्क मेरे को ओपन करने, इसके अंदर गाइस एक ग्लासेस का है, ठीक है, ये ग्लासेस पता नहीं कहाँ कहाँ आएंगे। यहाँ पर ग्लासेस पड़े थे, ब्रोकन रूलर तो इस बारी हमें नहीं मिला, इसके अंदर एक बारी चेक कर लेता हूँ। ओह ग्रीन हाउस की, ग्रीन हाउस कहाँ पर होगा ये? अच्छा शायद गार्डन में हो सकता है ग्रीन हाउस, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी मेरे को ना गाइस थोड़ा बहुत ना एरिया याद होने लग गया है। नहीं भाई 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 कैसे 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 आ गई ये? शिट यार, अगर ये अकेली है तो मैं बच के भाग सकता हूँ, पर अगर इसके चिकन इसके साथ है तो मैं वापस चली गई। तो कैसे देखो बिना फिलहाल मैं इस जगह पर छुप इसलिए रखा हूँ क्योंकि जो उसका चिकन है ना गमी वो बाहर आ चुका है, क्योंकि जब वो चलता है ना तो एक अलग सी आवाज़ आती है, तो वो मैं पहचान जाता हूँ कि वो उसी की है। बाकी भी एक बार ना धीरे से मैं बाहर निकल कर देखता हूँ क्या सीन है। खुल जा सिमसिम। ओके अभी किसी की आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक रास्ता पूरा क्लियर है। ये जगह मैंने चेक कर ली एंड बारी है इस वाले क्लासरूम की, तो भी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। ओह इसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये अंदर क्या कर रहा था भाई? भाई 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 नहीं भाग सकता मैं, वो आ रहा है। मैं काम करता हूँ, ये इधर आ रहा है मैं उधर चला जाऊँगा, अगर ये अकेला है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। गेट खुल भाई, एक सेकंड, तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से। मेरी चाबी 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 कहाँ है? चाबी उठ जा भैया, ये नन आने वाली है, मैं मरूंगा गंदे वाला। ठीक है अभी मैं शायद से थोड़ा सा सेफ हूँ, यहाँ पर हो सकता है मेरे को ब्रोकन रूलर मिल जाए। भाई पागल है क्या ये? भाई पीछे ही पड़ गया, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, कुकड़ू कूसी शक्ल के निकल यहाँ से, पागल ही एकदम। रिक्की कहाँ गई? उठ जा भाई, क्या है ये भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे उठने में? पूरी पूरी मेहनत कर दी भैया यहीं पर मैंने। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये गमी अंदर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। और ये नन अंदर कैसे आ गई? भाई 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 भागो भागो भाई, ये अंदर मेरे को पता था ये अंदर आ सकते हैं क्योंकि एविल नन में भी पार्ट वन में भी आ जाती थी। ओ भाई भाई तेरी भैंस की टांग, वो नन आ जाएगी मैं मरूंगा, मेरे को भागना पड़ेगा भाई। शिट पड़ा मेरे लैपटॉप, बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल सा हो रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल अपने पास दो दिन और है, और इस बारी ना गाइस मैं उस क्लासरूम वाले एरिया में नहीं जाने वाला, और बाकी इधर ना एक गार्डन है अभी तक जिसमें मैं नहीं गया था, तो भी जल्दी से हम लोग अपनी सीक्रेट टनल से चलते हैं सीधा गार्डन में। ओके तो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग गार्डन में आ चुके हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो मतलब कि इसके जो चेले चपाड़े हैं ना, ये इसके चिकन्स, वो गार्डन में भी आके मेरे को मारेंगे। शवल उठा सकता हूँ मैं? ओ वाह शवल मैंने उठा लिया। और इधर क्या है? इधर एक है स्क्रू ड्राइवर कहाँ? पहले ही शवल का मैं देखता हूँ यूज़ कहाँ है। इधर कुछ बटन है, इसको बंद कर दूँ? फ्यूज स्विच, ओके टर्न। अच्छा मेरे को चार बंद, अच्छा यहाँ पर चार चार जो है ना इनको बंद करना है। ठीक है इसको खोल। ओह ये तो गेट नॉर्मली ही खुल गया ना, यहाँ पर तो कुछ काम का है नहीं। लेकिन अंदर क्या है? एक सेकेंड खोलता हूँ मैं। ओके तो बैटरीज हैं यहाँ पर, मेरे को बैटरी काम आएगी कहीं ना कहीं। द बैटरीज अटैच्ड टू द केबल्स, ठीक है, तो यानी ये बैटरी कहीं ना कहीं तो काम आनी है यहाँ पर। ओ भाई भाई भाई, भाई ये मेरे को एरिया मिल गया। यहाँ पर से गाइज हम लोग ना खोल कर इसको शवल से कुछ ना कुछ तो ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, बस नन आ जाए वो दिक्कत हो जाएगी। ओह मेरे को यहाँ पर ना गाइज एक येलो पैडलॉक की मिल गई है, और आई थिंक वो जो पीछे वाला गेट था ना जिसमें लॉक लेकर आ रहा था, ये की वहीं पर लगने वाली है। और बस मेरे को एक ही चीज़ काम की मिली है, वो है ये पैडलॉक की। और अभी फिलहाल मैंने साउंड करा है, और मेरे को पता था कि वो एविल नन अगर आएगी तो ना मेरे को ये जगह मिल गई थी, मैं वही चेक कर रहा था यहाँ पर क्या है। तो ये ना एक बड़े सी छुपने की जगह है, तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, अगर वो आएगी तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो मेरे को डर अभी भी लग रहा है। और यही वाला गेट था ना, खुल जा। अबे ये येलो पैडलॉक की लगेगी कहाँ पर? मैं ऐसे बेमतलब मिले आया इसको। ओ भाई ये कहाँ से आ गया यार, भागो 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 भागो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे अभी मैं बच जाऊंगा। बाकी सामने ना गाइस नन आ चुकी है क्योंकि वो उसके साथ साथ ही चलती है। ओ भाई इसको मैं दिख रहा हूँ क्या, यहाँ क्या करने आई है? कुछ करने आई है गाइस यहाँ पर, पता नहीं। भाई भाई यहाँ तेरा कुछ नहीं रखा हुआ यार, मैं वो तो सही टाइम पर नहीं जगह मैंने ढूंढ ली थी छुपने के लिए। गाइज ये येलो पैडलॉक की मैंने बेमतलब में ढूंढ ली, अभी मुझे नहीं पता ये कहाँ पर यूज होने वाली है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं ना कहीं तो यूज होगी। और अच्छी बात है कि मिल गई चीजें, हम लोग जितनी ढूंढेंगे ना एस्केप करने में उतनी ज्यादा आसानी होगी। दो इधर मैंने बंद कर दिए थे फ्यूज उसके, ये रहा तीसरा वाला, इसको भी गाइज कर दो क्या? बंद कर देना चाहिए, वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा इन चारों को बंद करने से। ओके हाँ ये ग्रीन, अरे ये ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस है। और जो ग्रीन वाली की मेरे को मिली थी, और आई थिंक वो मेरे को लास्ट मैच में मिली थी ना,
हाँ वो लास्ट मैच में मिली थी एटिक के अंदर। और अभी हम लोग यहाँ से ना वापस निकलते हैं। इस बारी मैं सेफली एक सामान लेकर तो आया हूँ और अभी मुझे नहीं पता है पैडलॉक की कहाँ पर यूज़ होनी है। एक काम करता हूँ गाइस, इसको ना ये जो अपनी पैडलॉक की है इसको मैं सेफ्टी के लिए ना अभी यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि ये बाद में काम आएगी। क्लासरूम में चल के गाइस फटाफट से ना ब्रोकन रूलर ढूंढ के लाते हैं, फिर एटिक में चलेंगे, एटिक से क्रोबार लाएंगे, सारे रास्ते खोल देंगे, बढ़िया रहेगा। ओके तो अभी फिलहाल यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ। वैसे नहीं, वो जो ग्रीन हाउस की थी वो मेरे को, हाँ ग्रीन हाउस की यार मेरे को इसके घर से मिली थी। मैं खाली पीली वहां जा रहा हूँ, वो तो मेरे को इसके घर के अंदर से मिली थी। ओ ये क्या है, ये कौन सी की है? अबे नहीं, इसी मैच में मिली थी भाई मेरे को, पिछले मैच और इस मैच में कुछ याद ही नहीं, यही तो है ग्रीन हाउस की। चलो लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं गार्डन में। अपना आधा काम तो गाइस समझ लो, आधा नहीं यार, अभी कुछ पता ही नहीं है कैसे एस्केप करना है, धीरे धीरे समझ आते जा रहा है भाई। भाई मिस्टर मीट किस लेवल की थी और ये इतना कुछ उसमें करना पड़ रहा है भाई, मैं हैरान हो गया यार एकदम। तो यही है वाला गेट, ओके ओपन हो जाना चाहिए। ग्रेट, नाउ यू कैन एक्सेस द ग्रीन हाउस। ओ वाओ, यहाँ पर गाइस वायर कटर्स है और आई थिंक मैं इससे वो बैटरी काट सकता हूँ ना, हाँ शायद। ये क्या भाई, ये पीछे कैसे छुपी हुई थी उसके, मेरे को पता आवाज आई, मैं इसीलिए रुका था। भाई यार ये कब में आई भाग के, एक दिन और बचा है यार। तो चलो ठीक है, अभी सबसे पहले तो ग्रीन हाउस में चलते हैं। और वैसे गाइस अभी अभी ना मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरे पास ना ट्रैप्स भी हैं और इन ट्रैप्स का ना मैं यूज कर सकता हूँ नन को मारने के लिए। मुझे नहीं पता वो कैसे मरेगी ट्रैप से, लेकिन क्या पता उसका पैर वैर फंस जाए तो बढ़िया रहेगा। इस ट्रैप को ना गाइस मैं काम करता हूँ ना यहाँ लगा देता हूँ। ओ मैंने इस तरफ में लगा दिया। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने प्लायर्स उठा लिए हैं और इस क्लोजेट के अंदर कुछ भी काम का नहीं है। और ये जगह ऐसी है ना कि यहाँ पर तो मैं भैया बिल्कुल हाँ छुप सकता हूँ, छुपने के लिए जगह है, ठीक है। तो फटाफट से इसको हम लोग वापस से खोलते हैं। और गाइस बैटरी कहाँ थी, हाँ बैटरी मेरे को याद आया, पर बैटरी का यूज़ कहाँ पर होगा? तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से बैटरी निकाल के अपने रूम में ले जा के रखते हैं, फिर रूल ब्रेकर ढूंढेंगे क्लास रूम से, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे। भाई काफ़ी ज़्यादा अलग ही टाइप हो रहा है इसके अंदर, तो केबल काटूँ कैसे होगा? अच्छा ये केबल काटनी पड़ेगी ना, ठीक है कट गई। बैटरी उठा लूँ, ओ साउंड नहीं, साउंड नहीं, साउंड नहीं, साउंड हो गया गंदे वाला। तो यही है वो रास्ता जहाँ से हमें बाहर निकलना है। लेट्स गो गाइस, अब आने वाला है ना असली मज़ा। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ, ये रही मेरी बैटरी। बैटरी को गाइस हम लोग यहीं पर अपना ड्रॉप कर देते हैं। अपने पास एक पैडलॉक की है ग्रीन हाउस की, तो चलो यूज़ होगी, बैटरी भी मिल गई है। तो अब बस मेरे को यहाँ पर क्लासरूम में जाना है, क्लासरूम से मेरे को वो रूल ब्रेकर इस बारी ढूंढ के लाना ही लाना है। तो अभी फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पर शाफ्ट में, जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं धीरे से। ये वाला गेट मैंने ओपन करा, ओ कोई है नहीं यार, यहाँ से नहीं बाहर निकलूंगा, ये जगह थोड़ी डेंजरस है। और ऊपर मैं एक बात बता दूँ, गमी है उसके मेरे को फुट का आवाज़ आ रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं शाफ्ट में चलता चलता यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। राइट और लेफ्ट में तो मेरे को कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, और ये वाला रास्ता तो घूम कर यहीं से आ जाता है, तो उसके अंदर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये वाला रूम अभी तक मैंने कोई भी रूम नहीं चेक करा ना यार, पता नहीं यार, ठीक है एक बारी चेक करते हैं। और शायद ओ भाई आते ही ब्रोकन रूलर मिल गया भाई, बढ़िया जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं। ये री स्टेयर्स फटाफट से गाइस, ये हुई ना बढ़िया बात भाई, आते ही किस्मत चमक गई। हाँ तो ये रहा वो रास्ता जहाँ से मैं अंदर आया था, फटाफट से निकलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एटिक तक पहुँच चुके हैं, इसमें लगाते हैं स्लॉट में ये, देन इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अभी फटाफट से जो बैटरी है ना इसको मैं लेकर चलता हूँ, मेरे को लग रहा है वो जो टेलीस्कोप है ना वहाँ पर बैटरी लगनी है। और यहाँ पर भी यार कुछ ना काम का सामान मिलता नहीं है, तो भी फटाफट से वाला गेट मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर चिकन अभी तक पहुँच चुका होगा भाई, वो पता नहीं क्या ही बंदा है, लेट्स गो। अभी ओ वोरा क्या कर रहा है यार इधर, इसका जरूरत क्या है, इसकी यहाँ पर करने क्या है? और क्रोबार गाइस मेरे को मिल चुका है, मैं उसे बता दूँ क्रोबार मेरे को मिल गया है। कोई छुपने की जगह नहीं है क्या इधर? तू मेरे को मार, तू मेरे को मार, मेरे पास एक मस्त आइडिया, क्योंकि नन मेरे को मारेगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। फटाफट से बैटरी उठा, बैटरी उठ जा भैया, वो नन आ रही है, उठ भाई क्या है ये? छुपने के पीछे जगह थी, मैं छुपा नहीं, क्या ही गलती कर रहा हूँ। भाग लो भाग लो भाग लो, उन्होंने सीक्रेट रास्ता मेरा देखा नहीं है शायद, वो आ चुके थे। वाओ गाइस तुम्हारा भाई बाहर निकल गया। तो भी फिलहाल एटिक में तो भी शायद से वो लोग होंगे, तो वहाँ से बाहर निकलने का फायदा नहीं है, बट अभी चलते हैं एटिक में, दोबारा से चलते हैं, बट वो एकदम जस्ट सामने ही ना आ जाए मेरे भाई, खत्म हो जाएगा अपना, ये लास्ट नाइट है। ओके लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ गाइस, अभी रास्ता क्लियर है, शोर नहीं करना। ओ ये यही थी, शिट, नहीं 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 भाई भाई भाई, कुकड़ू कुक करते रह जाएगा भाई। एक काम करता हूँ गाइस, इनको ना मैं दोनों को इसी साइड से बुलाता हूँ, इधर से आओ दोनों दोनों जल्दी। वाह भाई ऑसम ऑसम, बहुत सही, ये है ना छुपने के लिए, इसके अंदर छुपो, छुप अंदर चूरन, बंद ही नहीं हुआ गेट। तो अभी ना फिलहाल गाइस मेरे को लग रहा है ना मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो लोग आ रहे हैं, घुस जाता हूँ मैं इसके अंदर। भाई ये कब जाएंगे यहाँ से बाहर? तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मेरे पास बस एक ही आइडिया है, ये जो गन है ना इसको मैं किसी और एरिया में ले जाकर ना साउंड कर देता हूँ, उससे क्या होगा कि इसका सारा ध्यान ना वहाँ पर जाएगा और ये ना इस एटिक को छोड़ के वहाँ जाएगी। तो यहाँ आकर ना गाइस मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी साउंड हुआ है, आओ बेटा इधर आओ जल्दी से,
तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं वापस से अपने सेफेस्ट रूम में आ चुका हूँ। अभी फटाफट से गाइस हम लोग ना यहाँ से चलते हैं सीधा एटिक में। ओके तो मैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ। एंड मैं गलत था क्या? ये कौन है भाई? क्या है ये, यहाँ क्या कर रही है भाई? मैं बच गया भाई। तो गाइस यार मैं ना कुछ ज्यादा ही डर रहा हूँ। अभी सब ना भाड़ में जाए। अब मैं इनके ऐसे की तैसे करता हूँ। कहाँ पर है नन? मैं भागूंगा ना, इतनी तेज पकड़ भी नहीं पाएगी। ठीक है, यहाँ मेरी बैटरी गिरी थी ना, लाओ मेरी बैटरी दो। वो रही ना नन, चल निकल यहाँ से, मेरे को डर नहीं लग रहा कोई। ऊपर चलते हैं, आएगी आएगी देखा जाएगा। पहले ना इनको इस साइड से आ जाने देते हैं। ओ कोई भी नहीं आ रहा, वाह आ रहा है क्या? अबे आ तो रहा है ये चूरन सा। आजा आजा, तेरी तो भैंस की टांग, तेरे तो मैं मुंह ही मुंह पे भरूं। निकल यहाँ से, इसका भी एक रैप्टा ही पड़ेगा। ओके ये तो ढेर हो गया। बैटरी उठा के लगेगी क्या कहीं? यहाँ लगेगी बैटरी शायद। ओ वाह ये देखो बैटरी लग गई है। इसको ऑन कर देता हूँ मैं। नन आ जाएगी अब तो। इसको अंदर घुस जाता हूँ मैं। बच गए, नन ने देख लिया शायद। क्यों बाय द वे गाइस, वो देखो वहां पर क्रोबार है। अब इस क्रोबार को लेकर मुझे जाना है चर्च में। देखते हैं वहां पर अभी क्या सीन है। भाई ये नेक्स्ट लेवल था यार, ये क्या ही कर दिया। ठीक है शायद से ना गाइस ये नीचे जा चुका होगा, लेकिन गाइस ये तो यहीं पर है। पहले ना मैं इन दोनों को ना यहीं से ऊपर आ जाने देता हूँ। पर अब मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं पूरा ना घूम कर ये इस साइड। भाई ये क्या ड्रामेबाजी है भाई, मैं इतनी देर से किसी के तो आने का वेट कर रहा था। निकल यहाँ से भाई, पागल बना दिया भाई दोनों। नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ठीक है अब इसको इधर से आने देते हैं। चिकन भी इधर से आ रहा है ना, बहुत सही। अब मेरे पास एकदम मस्त रास्ता है जाने के लिए। फटाफट से क्रोबर उठाऊंगा, रास्ता पूरा ये नीचे से ना आ जाए बस। अब बस नन ऊपर ही रह गई है ना, अपनी स्पीड ज्यादा है। फटाफट क्रोबर उठाया एंड लेट्स गो गाइस, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं अपना बाहर जाने का रास्ता। रास्ता ये डोर है तो खुल जा प्लीज, इट्स लॉक्ड। अच्छा ये गेट था, घुसो प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स गो गाइस। ओके तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मेरे को ये वाला गेट ओपन करना है ना। ठीक है इसको ओपन। ओ अच्छा ठीक है, इसे ऐसे रखना पड़ेगा। लेट्स गो, तो ये अभी ओपन हो चुका है। मेरे को इसे ड्रॉप कर दो ना, इसको अभी कोई यूज तो है नहीं इसका। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं चर्च में पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पर तो कुछ अलग ही टाइप का एरिया बना पड़ा है। काफी सारे गेट यहाँ पर हैं पर मैक्सिमम ना बंद पड़े हैं। और ये जो भाई चिकन है ना, इनको यहाँ पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। ये अपना छुपने के लिए एरिया हो गया। इसको मैं खोल के रखता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। और भाई ये क्या है? हेलो, इतना ज्यादा बढ़िया सा बना रखा है ये चर्च। ओके यहाँ पर एक की लगने के है, यहाँ पैडलॉक। ओ वाह वो येलो वाली की जल्दी से उसे लेकर आते हैं, वो यहाँ लगनी है। ठीक है अब मेरे को समझ आया भाई, वो येलो की ना काम की थी बहुत ज्यादा, मुझे पता था कहीं ना कहीं तो यूज होने वाली है। ठीक है अब आने लगा ना यार मजा, अब चीजें पता चल रही है। पहले मैं बेमतलब मरे जा रहा था। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ। फटाफट से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। एंड ये रही वो पैडलॉक की, इसको जल्दी से उठाते हैं भाई। बैटरी सब यूज कर लिया मैंने। अब मुझे नहीं पता वो टेलीस्कोप किस लिए काम आएगा और क्या क्या अभी होने वाला है। तो ये पैडलॉक की मैंने ले लिया है। बस यहाँ पर अभी वो जो गमी है ना वो पहुंचा ना हो, मतलब वो मेन मॉन्स्टर कह सकते हो इस गेम का, भाई भागता हुआ आता है। बस अच्छी बात है, कोड आ गया क्या भाई? मैं गया छोड़ गाइस। अभी मेरे को ना एक चीज पता चली है, पैडलॉक की यहीं पर रखे रहने देते हैं। नन ने भी मेरे को देख लिया कहीं से, तो देखा है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है अभी ना गाइस। देखो मेरे को इसके अंदर एक कोड डालना है, पर जहाँ पर वो कोड है ना वो जगह पता है। हाँ अब तो जा, वो चली गई बाहर। ये क्या था? नन अंदर आई फिर बाहर चली गई। बट इस बार ही ना गाइस एक चीज मुझे ध्यान में रखनी चाहिए थी, वहां पर जो एलमिरा थी ना मुझे उसके अंदर छुप जाना चाहिए था, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं थी। अभी जल्दी से गाइस जो उसके टेबल पर एक चिटनी पड़ी हुई, उसी के अंदर उस पैडलॉक का कोड लिखा हुआ है। मैं कोड पढ़कर आता हूँ जल्दी से। कोड क्या है? ओ ये क्या है? पेपर विद समथिंग रिटन ऑन इट। तो ये खुलेगा कैसे? कोड अच्छा ये लिखकर तो आ रहा है, कोड 0846। ठीक है। ओ ओ अंदर इसके क्राउच करके। ठीक है कोड 0846 भूलना नहीं है, पता चला वहां जाके भूल गया मैं। लेट्स गो। ठीक है तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं वापस से एक बारी चर्च में आ चुका हूँ। ओके और बाकी अभी ना पीछे एक चीज थी जो कि मैं शायद से चेक करना भूल गया हूँ, बट मैं उसे चेक कर लूंगा। तो यहाँ पर एक कोड डालू ना, तो 0846 आना है इसका कोड। 08 कोई आया यार, एक सेकेंड इसको डाल देता हूँ पूरा। ओ एक सेकेंड हो गया, क्या है इसमें, क्या था? ओ यार मरूंगा, हाँ तेरी यार, दोनों एक साथ आ गए। मेरे को जब आवाज आई थी ना मेरे को भाग लेना चाहिए था भाई। हिप्नोटाइज कर रखा यार इसके, देखो उसके सिक्स पैक्स हैं। I will give you everything if you fulfill my wish. भाई जला दिया। It seems that the spell has तभी गाइस तभी इसका नाम एविल है ना। This is not the right child. भाई बहुत डेंजरस है यार। अभी तक क्या था कि एक गेम में एक ही मॉन्स्टर, जैसे मिस्टर मेट में एक था, ग्रैनी चैप्टर 2 में दो थे, एविलन में भी एक ही था। बट एविलन में भाई, एविलन पार्ट 2 में भाई चार चार है।
तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 5 लाख लाइक के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँ तो फटाफट से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और जो भी चैनल में सब्सक्राइब कर देना।